नमस्कार, मैं शिवांगी, आप देख रहे हैं जेएमडी खबर। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी के महिलाओं को 40% विधानसभा चुनाव का टिकट देने के ऐलान पर बीजेपी, आरएसएस और सपा की प्रतिक्रिया पर कांग्रेस प्रवक्ता अंशु अवस्थी ने करारा पलटवार किया है। उन्होंने कहा है कि भाजपा और सपा को महिला विरोधी चेहरा अब सामने आ गया है। नारी शक्ति को कमतर आंकने और अपमानित करने वालों को 2022 में प्रदेश की बेटियां अपनी ताकत दिखाकर सबक सिखाएंगी। जब चुनाव आया है तब आरएसएस और बीजेपी को पूर्वांचल की याद आई। लखीमपुर, उन्नाव और हाथरस में आरएसएस के नेता नहीं गए थे। प्रवक्ता अंशु अवस्थी ने कहा कि कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने महिलाओं को राजनीतिक सशक्तिकरण की दिशा में उठाए गए कदम पर बीजेपी, सपा और आरएसएस के विरोध और नुक्ताचीनी करना उनकी महिलाओं के प्रति घृणा और नफरत को दर्शा रहा है। यही खुद महिलाओं को राजनीतिक प्रतिनिधित्व नहीं दे सकते, सम्मान नहीं दे सकते, तो कम से कम कांग्रेस पार्टी और प्रियंका गांधी के निर्णय का स्वागत तो कर लेते। इस निर्णय के बाद लगातार नारी शक्ति के प्रतिनिधित्व क्षमता पर सवाल उठाकर अपमानित किया जा रहा है। ये सीधे तौर पर प्रदेश की 6.30 करोड़ नारियों का अपमान है। अंशु अवस्थी कहते हैं कि भाजपा और आरएसएस के लोगों को भूलना नहीं चाहिए कि भारत का इतिहास सती सावित्री, सुचेता कृपलानी, इंदिरा गांधी और कल्पना चावला के पराक्रम से भरा पड़ा है। भाजपा और सपा कांग्रेस की चाहे जितनी बुराई करें, लेकिन महिलाओं के निर्णय पर उन्हें अपमानित करने का अधिकार नहीं है। कांग्रेस पार्टी के इस निर्णय पर जिस तरीके से विरोधाभासी बयान भाजपा, आरएसएस के नेता दे रहे हैं, वो ये जान ले यही नारी शक्ति 2022 में अपनी ताकत भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी को दिखाकर सबक सिखाए। नौजवान सच समझ चुका है भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के बहुरूपीय नेताओं का। उत्तर प्रदेश में कितने सारे वादे किए थे नौजवानों से कि 70 लाख नौकरियां देंगे। लगातार उत्तर प्रदेश के लोगों की आय घटती चली गई और अब जब चुनाव आया है तो आरएसएस और बीजेपी के नेता पूर्वांचल जा रहे हैं, तलाश रहे हैं, जानकारी कर रहे हैं। लोगों में नाराजगी है, किसानों में गुस्सा है, महिलाओं के साथ जो अत्याचार हुआ भाजपा सरकार में सभी ने देखा, और 40% कांग्रेस के द्वारा टिकट लेने के ऐतिहासिक निर्णय पर भी भाजपा और आरएसएस के लोग जो विरोध कर रहे हैं, प्रदेश की महिलाएं भी उनको सबक सिखाएंगी। उत्तर प्रदेश का नौजवान जिसको धोखा देने का काम किया भाजपा की सरकार ने, सिर्फ और सिर्फ झूठ बोला। उत्तर प्रदेश में अपराध बढ़ता चला गया, मुख्यमंत्री हर मोर्चे पर विफल हो गए। किसानों के ऊपर जब गाड़ियां चढ़ाई गई तो आरएसएस के नेता कहां थे? लखीमपुर क्यों नहीं गए? हाथरस क्यों नहीं गए? उन्नाव क्यों नहीं गए? भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस दोनों जन विरोधी हैं, कभी भी वो जनता के हितों के साथ नहीं खड़े होते, सिर्फ और सिर्फ अपनी सत्ता की राजनीति करते हैं, स्वार्थ की राजनीति करते हैं। प्रदेश का जनमानस 2022 में सत्ता से बाहर फेंक कर आरएसएस को एक्सपोज करेगा, बीजेपी को सबक सिखाएगा। बता दें कि कल प्रियंका गांधी के ऐलान के बाद मायावती ने भी ट्वीट करके पलटवार किया था। मायावती ने कहा था कि जब कांग्रेस सत्ता में थी तो उसने 33% का आरक्षण महिलाओं को देने का बिल पास नहीं करवाया था, और जब वो सत्ता में नहीं है तो महिला प्रेम दिखा रही है। फिलहाल प्रियंका गांधी के मास्टर स्ट्रोक से दूसरी पार्टियों के बीच बेचैनी साफ देखी जा सकती है। फिलहाल के लिए इतना ही, बने रहिए जेएमडी खबर के साथ। नमस्कार।